क्वेश्चन नंबर 846 मार्क्स, इसमें एक चॉइस भी है। बीनू एंड लीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट दीपा एंड एरिका एज टू न्यू पार्टनर्स। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड टू बी 3:2, 2:2, 2:3। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस ₹1 lakh ईच एज कैपिटल। दीपा पेज 40,000 इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, बट एरिका इज अनेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। एट द टाइम ऑफ दीपाज एंड एरिकाज एडमिशन द फर्म हैड एन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹56,000 विच इज रिटर्न ऑफ। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ दीपा एंड एरिका। बड़ा एडमिशन का बड़ा बेसिक सा सवाल है, दो तीन एंट्री बनानी है। बीनू एंड लीना दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग 5:3 दिया गया और ये दो नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, दीपा और एरिका को, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सवाल में गिवन है। इसका मतलब आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों पार्टनर से 1-1 लाख रुपए बतौर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। अब नया पॉइंट आता है कि दीपा ने 40,000 रुपए बतौर कैश गुडविल के लिए दिया है, लेकिन एरिका जो है वो गुडविल के पैसे कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री बनेगी, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और जिस वक्त इन दोनों का एडमिशन हो रहा था उस वक्त फर्म के पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का 56,000 का बैलेंस भी था, वो भी राइट ऑफ किया जाएगा और आपको जनरलिटी बनाकर दिखाना है। तो दो तीन एंट्री बोर्ड बना के हम आपको दिखाते हैं, बड़ा आसान है लेकिन कुछ बेसिक बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में जनरलिटी बनानी है और जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है वो समझ लें। तो चलते हैं सवाल में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मुझे राइट ऑफ करना होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को। तो मैंने सबसे पहले एंट्री बनाई है वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करने की बनाई है। देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करने के लिए मैंने क्रेडिट किया है और पार्टनर से कैपिटल को रिड्यूस करना होता है, डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू रखी और इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया और नरेशन दे दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं जो राइट ऑफ करने होते हैं या ट्रांसफर करने होते हैं, तो पहले एंट्री उसकी ही करनी चाहिए। अब आते हैं जो नया पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं उनके बारे में। तो दो पार्टनर्स बार एडमिट हो रहे हैं, दोनों कैपिटल लेके आए 1-1 लाख रुपए और एक पार्टनर गुडविल के पैसा लेके आया। तो एक एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दो पार्टनर्स हैं, दोनों को डेबिट क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आ रहा है उसे क्रेडिट करेंगे और सब जोड़कर 2,40,000 दिखा देंगे। ये सेकंड एंट्री हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये गुडविल की जो पैसे जब पार्टनर से बांटे जाते हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो का इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट है कि एक पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है, दूसरा पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया है, तो जो पैसा गुडविल का नहीं लाएगा उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। वही मैंने एंट्री में लिख दिया है। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको और समझाता हूँ। चलिए, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या निकालेंगे, सवाल में क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। चलिए देखिए मेरे साथ सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला होता है। तो सेक्रीफाइस कौन करना है, बीनू कर रही है। तो बीनू का सेक्रीफाइस यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो बीनू का सेक्रीफाइस जब निकालेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो था 5:8, न्यू रेशियो हो गया है 3:10। एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 40, ठीक है। तो 40 आएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 525 - 12 = 13/40। इसी तरह से दूसरे पार्टनर्स का नाम लीना है, लीना का सेक्रीफाइस निकालेंगे। लीना का ये रहा सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इनके पास कितना था, पहले 3:8 हुआ करता था, माइनस कर देंगे 2:10। और एलसीएम यहाँ भी कितना लेंगे, 40 एलसीएम लेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे तो 5 3 15 - 8 तो हो जाएगा 7/40। तो दैट मींस अगर आप देखें तो सेक्रीफाइस रेशियो मेरा बनता है 13:7। तो जो भी यहाँ पर आप देखें, ये जो हमने निकाल लिया है इसको यहाँ पर, तो इन दोनों को टोटल करेंगे 1 लाख रुपए और इसको इस तरह से इस रेशियो में बांटेंगे। तो एक आदमी को 65,000 रुपीज़ एडजस्ट कराएंगे और दूसरे को 35,000 सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। आखिरी पॉइंट बचता है कि यहाँ पे 40, ये 60 कहाँ से आया, ये भी एक पॉइंट है। सवाल में 60 दिया तो है नहीं कहीं। तो देखिए अगर हम इसको इस बात को डिस्कस करें यहाँ पर, तो 2:10 के लिए अगर किसी की को 40,000 रुपये लाने होते हैं तो 3:10 के लिए कितना होगा, तो 40,000 / 2:10 × 3:10। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा, 60,000 आ जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से टोटल गुडविल निकाल लीजिए और फिर उसमें 3:10 निकालें, वो भी तरीका हो सकता है। और दूसरी बात है 2 और 3, 2 3 2 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 2 4 2 3 6, तो ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये सेकंड ऑप्शन है, ये भी 6 मार्क्स के लिए। ग्रेग एंड रोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च
2022 was given below. In their balance sheet, there are creditors, outstanding salary, general reserve, and capitals are there. In the asset side, goodwill, office equipment, debtors, less provision for doubtful debts, and cash. On 1st April 2022, they admit Kunal as a new partner on the following terms. Number one, the new profit sharing ratio of Greg, Rohit, and Kunal to be 5:3:2. Kunal to bring his share of capital of 25,000 and her share of goodwill of 5,000 in cash. And the office equipment to be valued at 42,000. You are required to prepare partner's capital account. तो अगर सवाल को एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें दो पार्टनर्स हैं, उनका 2:3 का रेशियो दिया है और एक बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में कुछ ऑब्जर्व करने वाली चीजें होती हैं, जैसे जनरल रिजर्व और डेटर्स में पहले से प्रोविजन लगा है, गुडविल भी मेंशन है, बाकी सब नॉर्मल सा सवाल है। उसके बाद ये कुणाल को एडमिट कर रहे हैं और एडमिट करते हैं इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 बता रहे हैं। जैसे सवाल में न्यू रेशियो मिलेगा आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुणाल 25,000 रुपये बतौर कैपिटल लाएंगे और 5,000 रुपये गुडविल के देंगे और एक ऑफिस इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया जाएगा और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाना है। जब यहाँ पर हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर गेन आता है तो वहाँ पे आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी। पर इसी पॉइंट पे जोर दिया गया है, मुझे लगता है जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकेंड ऑप्शन है और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने कहा गया है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। तो पहला काम, मैंने फॉर्मेट बना रखा है और मैंने सबके नाम वगैरह सब फिल कर दिए हैं। और देखिए, अगर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एडमिशन के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहला काम आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होता है। तो मैंने पहला काम बैलेंस लिख दिया जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। फिर बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली होती है, जैसे जनरेशन बांटना तो मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, गुडविल को राइट ऑफ करना तो मैंने गुडविल राइट ऑफ करा दी। ये सब बड़े बेसिक से स्टेप्स होते हैं, आपको फटाफट लिख देना है। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। तो एक रिवैल्यूएशन हुआ था जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया गया था, तो मैंने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया और यहाँ ओल्ड पार्टनर ने बांट दिया। ठीक है, अब बारी आती है नए पार्टनर को एडमिट करने की। नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है अपने कैपिटल के, उसके कैपिटल में लिख देंगे। जितने पैसे गुडविल लाएगा उसके गुडविल लिख देंगे। लेकिन जब गुडविल के पैसे ओल्ड पार्टनर से बांटते हैं तो इसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो एक पार्टनर गेन कराएगा, तो जो पार्टनर गेन करेगा वो दूसरे पार्टनर को उसे कंपनसेट करेगा। तो ये यहाँ पर मैंने रकम कैलकुलेट की है, अभी मैं इसका कैलकुलेशन नीचे आपको शो करता हूँ। ठीक है, तो जो रोहित है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो गुडविल का पैसा जो कुणाल लाए थे वो सारा का सारा पैसा मैंने रोहित को दे दिया। उसके बाद जो ग्रेग है वो क्या कर रहे थे, वो गेन कर रहे थे, तो गेन कर दो ग्रेग अपनी कैपिटल थोड़ा सा पैसा रोहित को कंपनसेट करेंगे और फिर इसकी एक कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ बनेगी, वो रोहित कैपिटल के नाम से इनके यहाँ डेबिट कर लिया गया। मतलब क्या होता है कि रोहित की कैपिटल जो सेक्रीफाइस करा उसको क्रेडिट करके बढ़ाएंगे और ग्रेग जो गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल थोड़ी सी घटानी पड़ती है। इसका भी हम कैलकुलेशन आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर आप बैलेंसिंग करेंगे, आपके ये सारे आंसर आ जाएंगे और आपका जवाब कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल में जो सैक्रिफाइस रेशियो है या जो गेनिंग वाला ये पोर्शन है, इसको क्लियर करना है थोड़ा सा। चले आते हैं यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो की बात करेंगे। तो दो पार्टनर्स हैं तो उनका ये ओल्ड रेशियो है, उसमें से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो ये सैक्रिफाइस आएगा। लेकिन जैसे ही ये माइनस आता है तो ये गेन करने लगता है। ठीक है, तो ग्रेग का आप गौर से देखें, पहले इनका 2/5 हुआ करता था, अब 5/10 हो गया, इनका शेयर बढ़ गया है, इसलिए इनको थोड़ा सा फायदा हो गया है। ये फायदा हुआ है इसको गेन कहेंगे और इसके लिए वो कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइस वाले रेशियो को। दूसरा पॉइंट, रोहित ने सैक्रिफाइस किया, कितना किया है, वो 3/10 किया, ये बड़ा बेसिक पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। अब सवाल ये होता है कि वो रकम कैसे निकालेंगे। सच्ची यहाँ पर देखें जल्दी से मेरे साथ कि हम लोग इसको रकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल, फॉर गेनिंग 1/10 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, बड़ा आसान एक तरीका ये होता है कि जो ये 5,000 जो आप देख रहे हैं, ये जो लेकर आए वो 2/10 के लिए, तो 1/10 के लिए कितना होगा, इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लें तो ये कैलकुलेट करें 2,500 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर 10 मार्क्स, द फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ शिव, अजीम एंड अंगद शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 स्टूड एट 4 लाख, 6 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 ड्रॉन अप एंड क्लोज, द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स वर डिटरमाइंड टू बी शिव 35,000, अजीम 40,000 एंड अंगद 25,000। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड ऑन 1st April 2022। Number one, interest on capital at the rate 10% per annum had been allowed to the partners, although there was no provision for it in the partnership deed. Point number B, salary for 16,000 per annum to Shiv and 20,000
Param to Azim was not allowed to them despite a provision for salary in the partnership deed. Point number C, commission of rupees 24,000 was not allowed to Angad despite a provision for commission in the partnership deed. You are required to prepare the adjusted current account of the partners on 1st April 2022 to rectify the lapse in accounting. बहुत बेहतरीन से सवाल. इसमें तीन पार्टनर्स हैं, शिव, अजीम और अंगद. उनकी फिक्स कैपिटल बताई गई है 4 लाख, 6 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का बता रहे हैं. फिर इनका करंट अकाउंट के बैलेंसेस बताए गए. अकाउंट अकाउंट जब क्लोज होगा तो कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं करंट अकाउंट के, वो बता रहे हैं. फिर उसके बाद इनको एक एरर डिस्कवर्ड होती है, जो एरर है उसको रेक्टिफाई करना है. यहाँ पर से सवाल आपका मेनली शुरू होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% पर एनम है, पार्टनर्स को अलाउ कर दिया लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा. बी पार्ट में दो पार्टनर को सैलरी देनी थी और वो दी नहीं गई, जबकि प्रोविजन इसके बारे में मेंशन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में. सी पॉइंट में 24,000 रुपये कमीशन अलाउ किया था अंगद को, वो भी नहीं दिया गया, वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इन तीनों एरर को थोड़ा सही करना है, उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट बना के दिखाना है. चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग बोर्ड पर चेक करते हैं. एक बेहतरीन सवाल है 10 नंबर के लिए. क्वेश्चन नंबर 9 में एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है और एक करंट अकाउंट बना के दिखाना है. चलिए मैंने सब कुछ सवाल पर रेडी रखा हुआ है, आप जब फटाफट देखें. एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम लोग, नाम पता मैंने लिख दिया. देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा था कि उन्होंने अलाउ कर दिया जबकि उसको रिवर्स करना था. तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने आप में क्रेडिट होता था, यहाँ पे हम इसको डेबिट करेंगे. और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी फिक्स कैपिटल पे कैलकुलेट कर लिया मैंने 10% के हिसाब से. फिर सैलरी प्रोवाइड करनी थी, सैलरी देनी थी, तो सैलरी को क्रेडिट किया जाएगा. यहाँ क्रेडिट करेंगे, रकम कैलकुलेट करके यहाँ लिखा जाएगा. फिर कमीशन देना था अंगद को, वो भी हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे. अब इन सारी तीनों जो एरर्स हुई है इनको एक करेंगे, इसको टोटल कह देंगे और जोड़ेंगे. देखिए ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये आंसर जो आपका डेबिट का निकल के आएगा. ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये आपका कौन सा आएगा, डेबिट का आएगा. इसमें आप देखेंगे तो क्रेडिट बड़ा है तो आंसर क्रेडिट का लिखा जाएगा, और ये भी आपका डेबिट का टोटल होगा क्योंकि डेबिट बड़ा है इसलिए आंसर डेबिट का. अब अगर ये डेबिट आएगा, ये जो अमाउंट डेबिट आएगा, तो इसी को हमें रिवर्स करना होता है, बांटना पड़ता है. तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. मतलब अब तक के जो गलती हुई है वो 60,000 रुपये की गलती हुई थी, हम उसको प्रॉफिट लॉस रेशियो में रिवर्स कर देंगे. डेबिट आएगा तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट आएगा तो डेबिट करेंगे. अब देखिए यहाँ पर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, नील. यहाँ डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो यहाँ 16,000 बचेगा लेकिन डेबिट का बचेगा. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16,000 बचेगा लेकिन क्रेडिट का बचेगा, और ये हम हमेशा नील हो जाना चाहिए. ठीक, अब यहाँ पे एक एंट्री बनती है जिसमें अजीम के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और अंगद के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. और मैं करंट अकाउंट इसलिए बोल रहा हूँ कि कैपिटल फिक्स्ड है ये, तो मेरी एक एंट्री बन गई अजीम्स करंट अकाउंट डेबिट टू अंगद करंट अकाउंट. और अब इसी पर्टिकुलर एंट्री को उठा के इनके करंट अकाउंट में पोस्ट करके एडजस्टेड करंट अकाउंट बनाना है. तो यहाँ देख लें आप, अजीम के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और अंगद को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. चलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री है. अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आते हैं, तो सबसे पहला काम करंट अकाउंट बैलेंस दिख दिया. और करंट अकाउंट को मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं बोला है, तो मैंने इसे क्रेडिट कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे तो अंगद को क्रेडिट करना, तो बाय अजीम कैपिटल लिखा जाएगा, बल्कि अजीम करंट अकाउंट लिखा जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट हम लोग काम कर रहे हैं अजीम. और अंगद क्या कितना लिखेंगे, 16,000 रुपीज. और सिमिलरली इसकी एक अपोजिट एंट्री या कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ पे अंगद करंट अकाउंट लिखेंगे और अजीम के खाते में 16,000 डाल दिया जाएगा. और फिर आप इसका बैलेंस कर लीजिए, जो बैलेंस सीट आ जाएगा बस वही आपका आंसर है और आपका ये करंट अकाउंट कंप्यूट हो जाता है. तो देखिए 35,000 यहाँ पे और 35,000 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ भी 35,000 रहने दीजिए. ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा टोटल, और 40,000 में से हम 16 को रिमूव कर देंगे तो यहाँ 24,000 बच जाएगा. इधर 41,000 टोटल आ रहा है, यहाँ भी 41,000 लिखिए और ऊपर कुछ है नहीं, तो ये भी रकम आ जाएगा और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड ऑप्शन है और ये भी 10 मार्क्स के लिए. रूमा एंड नेहा स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2021 विद फिक्स कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 3,50,000 रेस्पेक्टिवली. ऑन 1st October 2021 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल फिक्स शुड बी 8 लाख इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2. अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल और विड्यू एक्सेस कैपिटल. Their partnership deed provide for the following. Number 1, interest on capital to be allowed at the rate 10% per annum, a monthly salary of 1,000 each to be allowed to both Ruma and Neha. C, interest on drawing to be charged at the rate 18% per annum. Ruma had withdrawn
12,000 during the year as per partnership deed. The interest on her drawing amounted to 1080 to be charged from her. During the year ending 31st March 2022, the firm earned a net profit of ₹2,04,000 before charging manager commission of ₹20,400 and interest on bank loan of ₹4,000. You are required to give generality to close Ruma's drawing account. Second, prepare PL appropriation account for the year ending 31st March 2022. बहुत अच्छा सा सवाल, फंडामेंटल का बेसिक सवाल. रूमा और नेहा दो पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स कैपिटल 4,00,000 रुपये और 3,50,000 रुपये सवाल में दी गई है. 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी टोटल कैपिटल 8,00,000 रुपये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज कर दी जाए, दैट इज 3:2, और उसका अगर जरूरत पड़े तो पैसे निकाल लें और अगर कम है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे. ये बेसिक से पॉइंट्स होते हैं. ऐसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बड़े फंडामेंटल्स पॉइंट हैं. नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है. मंथली सैलरी देनी दोनों पार्टनर्स को 1,000 रुपये के हिसाब से और ड्राइंग 18% पर एनम से चार्ज किया जाएगा. रूमा ने 12,000 रुपये ड्राइंग की है. देखिए यहाँ पे एक ही पार्टनर की ड्राइंग थी, दूसरे की ड्राइंग के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और रूल के हिसाब से 1080 उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. और साल भर के एंड में 2,04,000 का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन मैनेजर कमीशन 20,400 नहीं दिया गया और बैंक लोन 4,000 माइनस नहीं किया गया, वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. अब आपसे कहा जाता है कि आपको एक जनरेटिव बनानी है जिसमें रूपास की ड्राइंग अकाउंट को बंद करना है, और ये बड़ा महीन सा पॉइंट है. और एक पीएल प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है जो कि 31st मार्च 2020 को एंड होगा. तो दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं और बेसिक भी हैं. चलिए हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड ऑप्शन है जो भी 10 मार्क्स के लिए है. इसमें सबसे पहला जो पॉइंट पूछा है वो कहा है कि गिव द जेनरेटी टू क्लोज रूमास ड्राइंग अकाउंट. रूमास की जो ड्राइंग अकाउंट है उसको बंद करने के लिए एंट्री बनाइए. तो मैं एंट्री मैंने यहाँ बना रखी है, रूमास करंट अकाउंट डेबिट टू रूमास ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स है तो सारा का सारा काम जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा. तो यहाँ पे मैंने इसलिए करंट अकाउंट को डेबिट किया. देखिए ड्राइंग अपने आप में डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ क्रेडिट करके उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं या राइट ऑफ कर रहे हैं. तो बहुत आसान सा पॉइंट है और बहुत बेसिक सा पॉइंट है, और ये इस पेपर की बारीकी है कि उसने इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर किए हैं. रूमास करंट अकाउंट डेबिट टू रूमास ड्राइंग अकाउंट 12,000 रुपये, ये एक एंट्री मुझे पास करनी थी. ठीक है जी. अब सवाल में सेकंड ऑफ पॉइंट पे कहा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन बना के दिखाइए. मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया है. सबसे पहला काम पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, और यहाँ जो प्रॉफिट दिया था उसमें कुछ एक आध एडजस्टमेंट भी थी. तो 2,04,000 रुपये का प्रॉफिट डिस्क्लोज किया था, इसमें से मैनेजर कमीशन नहीं घटा था वो मैंने घटा दिया और इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दिया. अब जो ये करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा. यहाँ से सवाल शुरू होता है आपका. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सवाल में कहा था, मैंने रूमा की ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगा दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया. उसके बाद बारी आती है कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल दो पार्ट में है. तो 6-6 महीने करके मैंने निकाला है, 4,00,000 पे 6 महीने का और उसके बाद फिर 4,80,000 पे 6 मंथ का. इसी तरह से अगर नेहा की बात करें 3,50,000 पे 6 महीने का और 3,20,000 पे फिर 6 महीने का, वो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा. फिर दोनों पार्टनर को 1,000 पर मंथ का सैलरी देनी थी, मैंने सैलरी दी. इसको टोटल किया है, इन सबको घटाया है और जो बचा है उसको रेशियो में बांट दिया, और ये आपका आंसर आ जाएगा. अप्रोप्रिएशन बहुत आसान है, बस एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये था और एक यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसमें कोई खास सवाल में बात नहीं है. यहाँ पे पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है.